और मनीष जी दर्शकों को बता दूं कि आज मैं जो इकोसिस्टम का आपको इंटरनल रूप बताऊंगा तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि जी आप इकोसिस्टम से सनसनीबाज इनको सोचते हो। ये तो बहुत बिल्कुल निचले स्तर के गुर्गे हैं, जो फुट सोल्जर जिन्हें कहा जाता है, ये वो हैं। जो खेल होता है बड़ा वो अभी समझाऊंगा मनीष जी। हाँ बताइए मनीष। बिल्कुल, उस पे आएंगे। इन तमाम चीजों को इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि इस इकोसिस्टम के बेसिक चीज को, कि देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सनसनीबाज से लेकर के तमाम लोग तो एक छुट भैये हैं। अब इन लोगों ने नैरेटिव एक चोर जो पकड़ा जाएगा, मैं देख रहा था वो पार्किंग एक्सपर्ट जो पति पत्नी है उसने आज ट्वीट करके कहा है कि अब कार्रवाई जो है डराया जाएगा सनसनीबाजों को, ये पाड़ाओं को, सबका नाम उसने लिया, अपनी बीबी का भी नाम लिया है उसने। इन सबको लगने लगा कहीं मोदी जो जो कहा उन्होंने, कहीं मोदी ऐसा करेंगे तो नहीं। ये फेक नैरेटिव करने वाला, जो आतंकी शाहरुख को अनुराग मिश्रा बना देने वाला, आम आदमी पार्टी का जो वो ताहिर हुसैन था उसके लिए विक्टिम कार्ड खेलने वाला, उसे बचाने का षड्यंत्र करने वाला, देश के गृह मंत्री को एक जज की हत्या हत्यारा बताने का खेल खुलेआम हुआ, और उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि इस देश में पत्रकारिता जो है पर हमला हो रहा है नरेंद्र मोदी काल में। तब जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी एक बीट रिपोर्टर को ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं तुम्हारा अपना कपड़ा उतारता हूं, तुम भी उतार लो अपना, मेरा वाला पहन लो। यही कहने का मतलब था ना राहुल गांधी का, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार को उसने कहा कि मैं तुम्हें टी शर्ट देता हूं, पहन लो ये, इसमें बीजेपी का पट्टा लगा लेना। और सब जानते हैं कि महिला पत्रकार की सिंपैथी और सब कुछ किस चैनल के पास है। उसके बाद फिर रजत शर्मा पे आना, ये पूरा उसके बावजूद देखिए कि इस पे पूरा खैराती गैंग की चुप्पी है, लेकिन अभी से विक्टिम कार्ड खेलने लगे गए हैं कि सनसनीबाज को कार्रवाई होगी। ये खौफ ये उन्हें डरा रहा है। आपको लग रहा है कि इस इकोसिस्टम पे मोदी कुछ करेंगे, जो आप कहने चाह रहे हैं कि इतना खतरनाक रूप है, आप कह रहे सनसनीबाजों का और इन चिरकुटों का, तो बहुत ही फुट सोल्जर हैं, हाँ फुट असली खेल सोल्जर है खतरनाक है। असली खेल मनी जी। अब बताता हूँ दर्शकों से, तो आप लोग जरा एक एक करके दो ही तीन उदाहरण दूंगा, लंबी सूची है वो, तो फिर पूरा कार्यक्रम निपट जाएगा। जरा मनीष जी, अभी जो चंडीगढ़ में जिस महिला ने थप्पड़ मारा और सिपाही जो थी CISF की, कंगना रानौत को, और उसके बाद खुलकर उसके समर्थन में कौन खड़ा हुआ, वो बॉलीवुड का गंजा डडलानी, विशाल डडलानी, कि मैं कोई मुझको मिलवा, वो नाटक ऐसा कि कोई मुझको मिलवा दे, मैं उसको नौकरी दे दूंगा अगर वो निकाली जाती है। तो मनीष जी ड्यूटी पे तैनात होकर एक वर्दीधारी सिपाही इस तरह की अनुशासनहीनता नहीं कर रही, आतंकी कार्रवाई की एक तरह से, निर्वाचित सांसद को थप्पड़ मार रही है, उसकी निंदा करने के बजाय उसको पुरस्कार देने और समर्थन की बात कर रहा है वो गंजा डडलानी। और दर्शक ये जान ले कि ये पहली इसकी करतूत नहीं है, इससे पहले ये बाकायदे ट्विटर पे ट्वीट करके कह चुका है कि योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, साध्वी प्रज्ञा और साक्षी महाराज हमारे उन्नाव से सांसद हैं, इनकी हत्या कर दी जानी चाहिए। जरा मनीष जी ट्वीट दिखा दीजिए वो। ये डडलानी है ना, ये गंजा, हाँ, ये तो है इसका वो, कि जो नौकरी दे देंगे वो है कि उसको, उस थप्पड़ मारने वाली सिपाही को मैं नौकरी दे दूंगा, ये विचार। और जरा नीचे वाला मनीष जी, ये ट्वीट इसका खोलिए, ये यहाँ यही ट्वीट है मनीष जी, ये जी जरा दर्शक इसको पढ़ लेंगे। खुलेआम कह रहा है कि गुड, कैन वी एक्सपेक्ट आदित्यनाथ, गिरिराज, साक्षी, साध्वी एंड मालेगांव ब्लास्ट अक्यूज टू बी शॉट डेड, इनको गोली मार दी जानी चाहिए, ये विशाल ये डडलानी कह रहा। 2016 जरा का ही है। हाँ, नीचे बंदी तारीख पड़ी है, नीचे 2016 के नीचे तारीख तारीख है इसकी, फरवरी 12, 2016, ये है इसका ट्वीट कि इनको गोली मार दी। मतलब सीधे सीधे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए हत्या के लिए उकसा रहा, केंद्रीय मंत्री की हत्या के लिए उकसा रहा, सांसद की हत्या खुलेआम कर दी जानी चाहिए, इस बात के खुलेआम ट्वीट कर रहा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जरा मोदी सरकार में भी एक सवाल है मनीष जी, ये क्यों आदमी खुला घूम रहा है और इसकी पहचान क्या है इस गंजे की। अब आता है मनीष जी इकोसिस्टम का खेल, ये इस तरह से काम करता है कि ये लोगों की हत्या करने के लिए उकसाता है, एक जो वर्दीधारी महिला आतंकवादी का रोल निभाती है उसकी उसकी खुलेआम मदद करने का ऐलान करता है, ये कैसे पहचाना जाता है। जरा दर्शक समझे कि ये कहां से कहां कनेक्शन जुड़ता है और ये इकोसिस्टम कितना हाइड है, कि मनीष जी इसकी एक ही पहचान है, वो जो आता है टेलीविजन पे प्रोग्राम इंडियन आइडल, उसका ये जज बन के बैठता है। और दर्शकों ने देखा होगा कि कोई भी सीजन है, जज आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा
बना रहता है उसमें। मेरे ख्याल से इंडियन आइडल ही है, वो गाने बजाने कोई प्रोग्राम है ताकि इसको नियमित रकम हर हफ्ते मिलती रहे। वो जज जज नहीं, इसका और कहीं कोई ना इसकी पहचान है ना कोई इसको जाने, इसको वहीं से स्थापित कर दिया। दो तीन किसी फुवड़ उवड़ फिल्मों में कहीं इसने म्यूजिक दिया होगा ना, ये कोई बड़ा जानकार है, लेकिन ये इसको बरसों से लगातार एक रकम पहुंचाई जा रही है और उस कार्यक्रम में बैठा कर इसके चेहरे को पूरे देश में परिचित कराया गया कि पहचान इसकी बन जाए। ये केजरीवाल के लिए नाचता है और इस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली खुलेआम ट्वीट करता है। लेकिन मनीष जी, जिस वो गाने बजाने के प्रोग्राम में ये जज है, उसका उसका निर्माता कौन है? यहाँ इकोसिस्टम खेल शुरू होता है मनीष जी। उसका प्रोड्यूसर कौन है? उसका प्रोड्यूसर है नीरेत अलवा, निखिल अलवा, निवेदिता अलवा। कंपनी है मीडीटेक। कौन है उसमें जरा ये बताएं कि ये तीनों कौन है? ये तीनों कांग्रेसी नेता मार्गरेट अलवा के औलादे हैं। तो एक कांग्रेसी नेता की कंपनी में बकायदे इसको बरसों से रकम आराम से मिल रही है कि तुम्हारे पास पैसे कमी नहीं होगी। जज बना के और जज अदला बदला करते हैं लेकिन ये बना रहता है। तो ये है मनीष जी, इकोसिस्टम इस तरह से पाला जाता है, इस तरह से बढ़ाया जाता है।